अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14वां रोज़ा आप सबको मुबारक हो और मील वॉर्म फार्मिंग इन पाकिस्तान में आपका खुश आमदेद। आज एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आपके सामने डार्कलिंग बीटल नज़र आ रहे होंगे जो बग़ैर चोकर के हैं, इनमें पोटैटोज़ पड़े हुए हैं, उसको ईट कर रहे हैं। एक्चुअली आज हमने अपनी 15 डेज़ के बाद इनके एग्स अलग किए हैं, एक सेकेंड ट्रे बनाई है, वो दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमारी आज 5 अप्रैल दिन 2:30 बजे हमने इनके एग्स अलग किए हैं और इंशाल्लाह ठीक 10 से 12 दिन के बाद आपको इसमें मील वॉर्म्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नीचे हमारी फर्स्ट ट्रे मौजूद है, वो भी आपको भी दिखाता हूँ। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मील वॉर्म्स नज़र आ रहे हैं। उसकी अलग सी वीडियो बनाऊंगा और वो भी देखिएगा। ये हमारे मील वॉर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, बीटल्स आपके फ्रेश 3 महीने तक हर 15 दिन के बाद आप अपनी ट्रे निकाल सकते हैं। एक बीटल 3 महीने तक अंडे देता है और इस तरह आपकी ट्रेज बनती जाती हैं। ये परिंदों के लिए, आपकी मुर्गियों के लिए बेहतरीन प्रोटीन्स हैं और इनको अपने बर्ड्स को ज़रूर खिलाएं। अभी पाकिस्तान में फार्मिंग की जा रही है। देखें, ये फिंचेस हैं जो बहुत ही शौक से ये मील वॉर्म्स खा रही हैं। आगे मैंने मुर्गियों का भी दिखाया कि वो भी कितने शौक से खा रही हैं। ये देखें, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें प्लीज़, और मील वॉर्म फार्मिंग पाकिस्तान को प्रमोट करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।